एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं कनिका आज लेकर हाजिर हूँ करनाल की स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के सीएम सिटी करनाल स्थित दयाल सिंह कॉलेज में टैलेंट शो के समापन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केएल गोसाई ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अलग होता है और वो उस प्रतिभा को दिखाने का जौहर भी दिखाता है। कि हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं केवल पढ़ाई में ही आगे नहीं है, जो ये एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी है इनमें भी बहुत कुछ इनके अंदर टैलेंट छिपा हुआ है। आपने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है पिछले 3-4 दिनों में, कुछ प्रोग्राम में तो मैं था लेकिन पूरा टाइम तो नहीं बैठ पाया, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा तो जैसे म्यूजिक। लेकिन उसके पास कोई मंच नहीं होता, इसके कारण वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। लेकिन हरियाणा के करनाल में दयाल सिंह, लेकिन क्या पता ऐसे हो जाए कि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारा कोई इनाम आ जाए तो वो भी तुम्हें देख के आगे आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ है, मैंने पार्ट लिया था, मेरा आ गया, मेरे फ्रेंड ने बोला चल अगली बार हम दोनों इकट्ठे लेंगे। कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज ने अपने कॉलेज में टैलेंट शो का आयोजन कर बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, ये नज़ारा है करनाल के दयाल सिंह कॉलेज का, जहाँ पर टैलेंट शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा भी दिखाई। और आप सब बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि आसमां तक लेके जाएंगी तुम्हें ये खूबियाँ, आसमां तक लेके जाएंगी तुम्हें ये खूबियाँ, शर्त है यारों के अपनी खामियाँ तुम देखना, शर्त है यारों के अपनी खामियाँ। ये हॉल प्रतिभा दिखाने वालों और उन्हें देखने वालों से खचाखच भरा हुआ है और बच्चे अपना हुनर दिखाने के लिए दमखम दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद कॉलेज का स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग इस आयोजन का पूरा आनंद ले रहे हैं। कविता पाठ प्रतियोगिता का तो जो डांसेस का था और ऑडिटोरियम में जो हुआ बहुत अच्छा लगा। तो मेरी सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बड़े ऑडिटोरियम में ले जाए, बता दें कि इस कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया और विजेता बन सबका दिल जीत लिया। वहीं विजेताओं को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य ने शिरकत कर सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद स्टाफ और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपना अनुभव साझा किया। साथ ही कहा कि सभी विजेता छात्र और छात्राएं बधाई के पात्र हैं। हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो अच्छा लगता है और प्राइजेस मिलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। किस तरह से पहले, जैसे सर ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ प्राइज बच्चे वहाँ पे जमा कराए थे, प्राइज ले जाते थे, लेकिन अब उन्होंने समारोह एक आयोजन किया प्रतियोगिता के अंदर, यहाँ पर उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शो रखा है यहाँ पे, उसके लेकर क्या लगता है कि मोटिवेशन मिलता है बच्चों को आगे? हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी और पार्टिसिपेट करें और बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी ऐसे सबके सामने प्राइज मिलेगा, अच्छा फील होगा। जैसे आप लोग भी आए हैं यहाँ पे तो सारे एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को पता चल रहा है कि हमारा टैलेंट उनके सामने आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। बहुत मेरा फर्स्ट टाइम था ये कॉलेज में और फर्स्ट सेमेस्टर में प्राइज लेके मतलब मोटिवेशन तो मिलती है। एंड मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मुझे वो जाना ही है, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ही फोर्स किया था एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। The cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Knowing you that could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellites. You can see the way you brought to life, so love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Thank you so much. एक अच्छा मेरे को हौसला अफजाई किया जिसे मैंने अपना यहाँ पे कल प्रदर्शन किया था और मेरा टॉपिक था द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ।
in order to get a progressive life, we always think that we want to become a doctor, we want to become an engineer, but not. It's not a main aim. हम सोचते हैं कि ये हमारा उद्देश्य दिखा रहा, और उससे भी ज़्यादा थैंक यू मैं कॉलेज की इन वेरियस गतिविधियों को कराने वाले टीचर्स का और इनके मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा प्राइज आया था स्पीच में. एक्चुअली आई वांट टू बी एन ऑलराउंडर इन एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल दी एक्टिविटीज, इन पोएम रेसिटेशन, इन स्पीच, इन सिंगिंग. दो कॉम्पिटिशन मेरे मिस हो गए थे, सो आई एम इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मैं कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. इन बीकॉम थर्ड सेमेस्टर है, I have won prize in political competition. Even I have also taken participation in speech competition also. But कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने विचार अच्छे से कन्वे नहीं कर पाई कि उसमें प्राइज नहीं आया. लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि मैं फिर से ट्राई करूँगी, कन्वे कर पाते हैं. इसमें सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो होती है सेल्फ डिपेंडेंट. एक बंदे को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए अगर उसको ऊंचाइयों तक जाना है. मैं चार लाइनें बोलना चाहूँगी जो किसी महान कवि ने बोली थी कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बन. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. वैसे तो मैंने सिंगिंग में लिया था पार्टिसिपेट, बट मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी तो मेरा अच्छा नहीं गया. बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रूमेंट में लेती हूँ. मेरी तैयारी भी नहीं थी बट फिर भी मैंने लिया और मेरा थर्ड प्राइज आया. मैं बहुत हैप्पी हूँ, फीलिंग ब्लेस. थैंक यू. फीस के लिए मैं ऐसे ही देने चला गया और वहाँ पे पहले मेरी सेकंड पोजीशन आई, तीन बच्चों की हमारी सेकंड पोजीशन आई थी. तो उसके बाद मैंने टेक्सटाइल डॉक्टरी है, उसके अंदर मेरे वहाँ पे टेस्ट आता नहीं था. मैं जो तो उन्हें बोल रहा हूँ इस बारे में, तो उस टाइम अगर मैं जिस टाइम पहली बार पूछ रही एक आंसर मैं लिख रहा था वहाँ पे. Dedicate this award to my mom and my brother and all my well-wishers and my teachers. Actually, this is my first time and I'm in first year, so I'm very lucky that I got award in my first year only, and I will try my best in other activities also. So thank you. Chinta, काफी अच्छा लगा कि 6-7 दिनों से कॉलेज में यूथ कल्चर चल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है. तो मेरे को consolation में prize मिला, so I'm happy. So I got a prize. मैंने खुद सीखा गिटार यूट्यूब से. मम्मी को, मेरे पापा को, सबको खुशी होगी कि मेरा प्राइज फर्स्ट आया. इसलिए मेरा छोटा भाई है, वो मुझको देख कर वो भी डांसिंग करता है, कभी वो सीखता है और वो भी मुझसे कहता है कि मुझे सिखाओ भाई मेरे को प्राइज करना. और कभी वो कहते हैं कि मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन में प्राइज करना है. और